दूध कुदरत का सफेद तोहफा, कैल्शियम और दीगर जरूरी गजाई अज्जा से भरपूर एक मुकम्मल गिज़ा है, जो ना सिर्फ बच्चों की बल्कि बड़ों की सेहत के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। वैसे तो दुनिया भर में दूध रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो दूध के दीवाने हैं। वर्ल्ड अवार्ड की एक और हैरत अंगेज वीडियो में खुश आमदीद। आइए इस वीडियो में जानें उन 10 हैरत अंगेज मुल्कों के बारे में जो दूध की खपत में सबसे आगे हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, नेदरलैंड्स। ये जानकर आपको हैरत होगी, लेकिन पहले नंबर पर नेदरलैंड्स आता है, जहां औसतन एक फर्द सालाना 340 किलोग्राम दूध पीता है। यहां दूध की पैदावार भी बहुत ज़्यादा है और पनीर समेत दूध से बनी अशिया खुराक का अहम हिस्सा हैं। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, जहां सालाना औसतन एक फर्द 321 किलोग्राम दूध पीता है। दही यहां की मशहूर डिश है और इसके अलावा दूध को कहवे और चाय में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्वीडन दूध की खपत में तीसरे नंबर पर है और यहां औसतन एक फर्द सालाना 317 किलोग्राम दूध पीता है और यहां भी दूध की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है। डेनमार्क इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जहां सालाना औसतन एक फर्द 313 किलोग्राम दूध पीता है। पनीर की मुख्तलिफ अकसाम यहाँ बहुत मशहूर हैं और उन्हें रिवायती तौर पर खाने के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, आयरलैंड। सब्ज़ेदारों का मुल्क आयरलैंड दूध की पैदावार के लिए मशहूर है और यहाँ दूध की खपत भी काफ़ी ज़्यादा है। आयरलैंड में औसतन एक फर्द सालाना 301 किलोग्राम दूध पीता है। एस्टोनिया, शायद ये आपको हैरान करे, लेकिन एस्टोनिया दूध की खपत के मामले में छठे नंबर पर है। यहाँ सालाना औसतन एक फर्द 298 किलोग्राम दूध पीता है और दूध से बनी अशिया आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। लिथुएनिया इस फहरिस्त में सातवें नंबर पर है, जहाँ सालाना औसतन एक फर्द 284 किलोग्राम दूध पीता है। दही यहाँ भी एक पसंदीदा गिज़ा है और इसके अलावा दूध को पीने और खाने में शामिल किया जाता है। बेल्जियम आठवें नंबर पर है, जहाँ सालाना औसतन एक फर्द 247 किलोग्राम दूध पीता है। चॉकलेट बनाने के लिए मशहूर ये मुल्क दूध की पैदावार में भी आगे है और यहाँ दूध से बनी मुख्तलिफ अशिया मसलन पनीर वगैरह का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। स्लोवेनिया दूध की खपत के मामले में 9वें नंबर पर है, जहाँ सालाना औसतन एक फर्द 244 किलोग्राम दूध पीता है। पनीर की मुख्तलिफ अकसाम यहाँ भी मकबूल हैं और स्लोवेनियन किचन में दूध एक अहम जुज़्व है। 10वें नंबर पर स्लोवाकिया है, जहाँ सालाना औसतन एक फर्द 242 किलोग्राम दूध पीता है। यहाँ भी दूध की पैदावार काफ़ी है और पनीर समेत दूध से बनी अशिया आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। नाजुग्रामी, दुनिया के इन ममालिक में दूध की खपत की कई वजूहात हैं, जैसा कि इनमें से कई ममालिक मवेशियों की फार्मिंग के लिए मौजू माहौल और वसाइल रखते हैं, जिसकी वजह से दूध की आसानी से दस्तियाबी होती है। पनीर, दही, मक्खन और आइसक्रीम जैसी दूध से बनी अशिया इन इलाकों में आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही सर्द मौसम वाले ममालिक में गर्म मशरूबात के तौर पर दूध की खपत बहुत ज़्यादा होती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों से इल्तमास है कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिर्दो नवा के लोगों में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए देखते रहिए फंड अवार्ड।